नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी के एग्जामिनेशन पैटर्न की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले सिलेबस से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टुडे विल डिस्कस द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। आई हैव प्रीवियसली मेड अ वीडियो ऑन द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम एंड द लिंक फॉर दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन। सो हियर इज द क्वेश्चन पेपर। द एग्जाम विल बी ऑफ 2 आवर्स एंड द टोटल मार्क्स विल बी 100। ओके, सो लेट्स लुक इट। इंस्ट्रक्शन, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ बोथ मल्टीपल चॉइस एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द जनरल क्वेश्चन पार्ट वन विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पार्ट टू will be of 60 marks, so total 100 marks. Now part 2, the subject specific part, will consist of section A of 40 marks having 40 multiple choice questions of 1 mark each. And part B, that is section B of part 2, will be of 12 marks having 3 questions of 4 marks each. And then section C having 1 question of 8 marks. So मैंने जो कहा अभी-अभी कि क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस भी होगा और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट होंगे। पार्ट वन जो 40 नंबर का होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो जनरल क्वेश्चन होंगे, और पार्ट टू जो 60 नंबर का होगा और उसमें सेक्शन ए होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद उसमें सेक्शन बी होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 3 प्रश्न होंगे जिसमें 4-4 नंबर का होगा और वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, और फाइनली सेक्शन सी होगा जिसमें 1 प्रश्न होगा और वो 8 नंबर का होगा। ठीक है, और हर एक मल्टीपल चॉइस को सही उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 1 नंबर, और अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में अच्छा यही होता है कि अगर आप श्योर नहीं है तो तुक्का बिल्कुल ना लगाएं, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उस प्रश्न को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सही या गलत कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं तो आपके कोई नंबर नहीं जाएंगे कम से कम। ठीक है, और यहाँ पर एक इसके अलावा ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, और यहाँ पे आपको आंसर्स भरने के लिए ABCD मार्क करना होगा। और अब हम प्रश्न पत्र की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जैसे पार्ट वन है, 40 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और ये जनरल क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सवाल मैं पढ़ देती हूँ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज, और आंसर्स में से चॉइस है टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, यस, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यस, टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यस, या डी ऑल द अबव। तो डी होगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ऐसे करके 40 सवाल होंगे। मैं सारा प्रश्न पत्र आज नहीं पढ़ूंगी, उसके लिए मैं डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस टेस्ट रिलीज करूंगी जल्दी ही, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। पर मैं अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये है सिविल और केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वालों के लिए पार्ट टू। पार्ट टू में सेक्शन वन है, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे कि एक ये एक सवाल है, द डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच इज प्रोपोर्शनल टू, इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे करके 40 प्रश्न है। आगे देखते हैं, प्रश्न 41 से लेकर प्रश्न 80 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पार्ट टू का सेक्शन ए में। अब पार्ट टू का सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्या है, 12 नंबर है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, और आपको ये एक सवाल है, जैसे कि 3 सवाल होंगे और जगह भी छोड़ी हुई है सवालों का जवाब देने के लिए। सो सेक्शन बी हैज 12 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, देयर इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट एंड देयर इज स्पेस टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, हाउ इज इट मेजर्ड, ऑल्सो लिस्ट सम कंट्रोल मेजर्स। ये दूसरा प्रश्न है, ब्रीफली एक्सप्लेन विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स और केस स्टडी और स्केचेस द इन प्लांट कंट्रोल मेजर्स टेकन इन एनी एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो इसका इसके लिए भी जगह छोड़ी हुई है, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जो वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट डिटेल लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उसको आप देख लें तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। सो देयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ ब्रीफली एक्सप्लेन with appropriate examples or case study or sketches the in plant control measures taken in any air pollution industry to reduce air pollution. I'm sorry about the fumble. So to answer questions like this I have made detailed videos on my channel and the playlist is detailed lectures of environmental sciences.
I'll give the link in the description box for that playlist, and please look at the videos for air pollution control measures. Okay. Then there is this third question. Briefly explain at least one situation where HPLC or ICP or GC or flame photometer are used in environmental monitoring. Also indicate the pollution parameters which can be monitored with respective concentration ranges by these techniques in each of these cases. So ये भी एक question है, no, इसमें subjective है. और final section C, एक सवाल है, 8 नंबरों का है, 8 अंकों का है. Explain the use of mass balance and energy balance for any one of the following: development of effluent emission stand, effluent or emission standards, and minimization of pollution. तो इसके बारे में है, 8 अंकों का प्रश्न है और जगह छोड़ी हुई है आपको उत्तर देने के लिए. तो आज के लिए इतना ही. आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा. और ऐसे और वीडियोस के लिए और आने वाले प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए. और अगर कोई खास मदद मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्रैक्टिस टेस्ट एंड फ्री लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज. बाय बाय. कीप वॉचिंग माई चैनल.